वेलकम टेक बेटा गुरु, मैं आपका विकास आपका मैं चैनल स्वागत करता हूँ। तो आज की जो वीडियो काफ़ी स्पेशल आपके लिए, जो कि लोग आईटीआई के ओपन का पेपर एग्जाम कल देंगे और परसों देंगे, तो 31 और 1 की आपकी डेट है आपके ईयरली एग्जाम जिनके होने हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको गाइड और टिप्स दे दें और आपको बता दें कि पेपर किस प्रकार से होगा, पैटर्न क्या है, ओएमआर किस प्रकार से फिल करनी है, और एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें करीब 50 क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपको रिविजन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी लगभग सभी क्वेश्चन आपको बता दिए जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके लिंक आप अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको व्हाट्सएप नंबर मैंने जो आपको दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो दबा लें कि आपको नोटिफिकेशन मिले, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वीडियो के लिंक दे दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपसे, और किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है, किस प्रकार से ओएमआर फिल करनी है, ओएमआर भी आपको दिखाते हैं, और क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, एक दिन पहले आप क्या तैयारी कर सकते हैं, वो आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपके कोई डाउट है या सवाल है, और वीडियो को जरूर शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मैं सारी चीजें इसमें लगभग क्लियर करने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको बता दें आईटीआई कोपा टेट प्रैक्टिकल की वीडियो इसमें पड़ी हुई है, आईटीआई कोपा डीआरडीओ मॉक टेस्ट, यहाँ पे सारे आईटीआई के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, और बाकी जो मैंने ओ लेवल ट्रिपल सी की वीडियो बनाई है वो भी आप देखें कोपा का स्टूडेंट जो है, क्योंकि क्वेश्चन वही है आपके कंप्यूटर के ही क्वेश्चन है, बस उनके नाम अलग अलग है, ओ लेवल ट्रिपल सी बीसीसी ईसीसी सब क्वेश्चन आपके एक ही है, सिलेबस एक ही है। तो प्लीज खाली जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है खाली आप आईटीआई कोपा वाली प्लेलिस्ट ना देखें, आप ओ लेवल के भी क्वेश्चन आंसर देखें, आपको हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आंसर मिल जाए। तो लगभग मैंने सभी प्लेलिस्ट यहाँ बना कर रखी है, आप प्लीज जाकर देखें, और पेपर आपका हो जाता है तो पेपर में उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, पेपर होने के बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, आप पेपर के दौरान मुझको पेपर ना भेजें, मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं कोई सॉल्वर नहीं हूं। तो आप प्लीज ऐसा ना करें, आप मुझको पेपर के बाद मुझको पेपर दें, उसको मैं सोल्यूशन करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो फिटर के स्टूडेंट हैं वो भी मुझको, अगर उनको वीडियो नहीं मिल रही वो भी अपना सुझाव ले सकते हैं और पेपर अपना भेज सकते हैं जिससे कि उनका सोल्यूशन किया जा सके। तो चलिए देखते हैं, सारी लगभग यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज जाकर देखें, आपको सारी जानकारी मिलेगी, और चलिए अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मेरे पास ओएमआर अवेलेबल है जो कि सैंपल के रूप में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, तो इसको किस प्रकार से फिलअप करना है। तो इससे पहले आपको बता दें कि आपका जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भी काफी लोगों के मन में डाउट है। तो इसमें अभी आप कुछ कह नहीं जा सकते क्योंकि आपने देखा कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल करीब 100 नंबर का, लेकिन 250 नंबर का प्रैक्टिकल आया था, तो इसी प्रकार से इसमें भी मेरा जो अनुमान है वो आपको, काफी लोगों ने कहा कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के क्योंकि ईयरली पेपर है, और इससे पहले का जो पैटर्न था आप उसमें आपके 30 क्वेश्चन मिलते थे आपके एक पार्ट वन में, और मतलब सेमेस्टर फर्स्ट के थ्योरी पेपर में और सेमेस्टर सेकंड के पेपर में भी आपको 30 30 क्वेश्चन मिलते थे। उसका जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी होता था उसमें आपको करीब 25 क्वेश्चन इस प्रकार से मिलते थे, दो दो नंबर के, और 30 वाले भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते थे। तो लेकिन इस बार आपको दोनों का एक साथ है, तो उस केस में जो आपका होना चाहिए वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 50 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के। मेरे अनुमान से 100 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो तैयार रहिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं जो सिलेबस आपका है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने सॉल्व करवाए हैं, और सारे हैं चैप्टर वाइज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी की मैंने मॉक टेस्ट लगाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए मैंने कुछ नए क्वेश्चन आपको नहीं ज्यादा बताए हैं। इंट्रोडक्शन टू डॉस वगैरह के हैं, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि आपका वर्ड का हो गया, एमएस वर्ड का, स्प्रेडशीट्स का हो गया, उसके बाद आपका पावर पॉइंट का हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट का हो गया, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इंटरनेट कॉन्सेप्ट, वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक वीबीए, स्मार्ट अकाउंटिंग और ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इन्हीं के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों से मिला के मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पुटअप होते हैं वो किससे होते हैं। तो इस शुरू से बात करें तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, लगभग इसमें से आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे सभी से, पहली बात तो जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए गए सभी से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन संख्या किनकी ज्यादा रहती है, अगर यहाँ से बात करें तो आपको क्वेश्चन संख्या ज्यादा मिलेगी जावा स्क्रिप्ट की, करीबन 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 100 के हुआ तो ज्यादा भी हो सकते हैं संख्या, जावा स्क्रिप्ट के, वीबीए के, ई कॉमर्स और अकाउंटिंग यानी टैली के। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको हाईलाइट कर लें, इनके क्वेश्चन तो आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। और उसके बाद फिर आपका नेटवर्किंग वगैरह के एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ अलग अलग कलर से जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिलते हैं
साइबर सिक्योरिटी के एक दो क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग के कमी आपको मिलेंगे। बाकी ये जो चैप्टर हैं आपके इंट्रोडक्शन, ये बेसिक ये जो चैप्टर है मैंने जो अभी हाईलाइट किए हैं इनको मैं बता दे रहा हूँ उसमें आपको क्या मिलता है। ये जो चैप्टर है इसमें आपको इनपुट आउटपुट इंस्टॉलेशन हार्डवेयर डॉस के कमांड वगैरह फुल फॉर्म आपके शॉर्टकट की एक्सटेंशन इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिक स्तर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इन चैप्टरों से देखने को मिलेंगे। उसी के मैं अभी आपको एक क्लास लगाने वाला हूँ। मैंने 50 चैप्टर का मॉक टेस्ट अभी तैयार किया आपके लिए। अभी इस मॉडल सेट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका एक एक हाईलाइट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर का, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बेसिक तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट जो आपका है इनसे तो क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, जो कि इनकी शॉर्टकट की इनके शॉर्ट फॉर्म और इनके जो मेन्यू है टेबल है उस प्रकार से वो किस प्रकार से काम करते हैं और उनके उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो लगभग मैंने सारी क्लास लगाई हुई है, प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में देखें। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो प्लीज़ जाके मुझसे संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप चलते हैं, तो ये तो आपका मॉड्यूल होगा जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैंने समझा दिया आपको किस प्रकार से है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको होती है, लेकिन 2018 का जो नियम है उसके अनुसार नहीं की गई थी। वो आपको तभी मालूम पड़ेगी जब आपको पेपर सेट मिलेगा, वहां पे आपको लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है कि नहीं। मेरे मान से नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका है रोल नंबर, यहाँ पे आपको डालना है। तो रोल नंबर जो आपको मिला हो, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हो, वो रोल नंबर यहाँ पे डालें। प्लीज OMR को फिलअप करने से पहले बिल्कुल भी गलती ना करें, फ्लूड ना लगाएं यानी कि व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। एक बार में भरें, सही भरें, काला या ब्लू पेन का प्रयोग करें। यहाँ पे भरने के लिए गोले को भरें उसी के नीचे बिल्कुल सावधानी से। उसके बाद स्टेट कोड आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो स्टेट कोड डाल दें। ट्रेड का नाम डाल दें आपकी कौन सी है, यहाँ पे ये दूसरे से OMR है तो आपका जो भी ट्रेड हो, यहाँ पे कोपा की हो तो कोपा का ट्रेड डाल दें, उसमें ऑप्शन होंगे आपके। उसके बाद ट्रेड का कोड कौन सा है वो डालें, सेमेस्टर, ये सेमेस्टर वाला है, आपको हो सकता है इसमें सेमेस्टर का ऑप्शन ना मिले तो ईयरली का ऑप्शन मिले तो आप ईयरली का डालें। बुकलेट सीरीज आपको मिलेगी वो डालें। और डेट डालनी है यहाँ पे जिस दिन आप एग्जाम देने गए, डेट का मतलब है डेट, जिस दिन आप देने गए डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, ये बहुत गलती करते हैं लोग, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो फिर आपका वो सेंटर सील लगेगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में होंगे वो साइन करेंगे, और प्रेजेंट एबसेंट की यहाँ प्रेजेंट लगा दें। और इस प्रकार से आपको OMR क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये अभी आपको नहीं बता सकते हैं कि कितने मिलने वाले हैं, 50 मिलेंगे तो आपको पूरे 50 सेट मिलेंगे, 100 मिलेंगे तो दोनों मिला के आपको एक 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस पर आपको 100 50 से कम क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ये तो आप तैयार होकर चले कि क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, नंबर भले ही एक नंबर का हो सकता है या दो नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, 50 मिलेंगे तो दो का हो जाएगा, 100 मिलेंगे तो एक एक नंबर का हो जाएगा, या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ये अभी आपको रिवील्ड नहीं किया गया है कहीं पे भी, तो उसका वेट कर लें, जब आपको कल पेपर मिल जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो OMR इस प्रकार से मिलेगी, फ्लूड वगैरह ना लगाएं एक ही बार में, कोशिश करें लोग इसके अंदर भी फ्लूड लगा देते हैं, एक बार पूरी गलती कर देते हैं उसके बाद फिर गोले भरते हैं तो वो काम ना करें, हो सकता है कि वो आपकी रिजेक्ट हो जाए तो आपको ही दिक्कत होगी बाद में। तो ये था आपका बेसिक स्टेप्स जो मैंने आपको बता दिया एग्जाम से पहले, वहां पर जाएं मोबाइल वगैरह लेकर ना जाएं, नकल के चक्कर में ना पड़ें, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके 75% के ऊपर नंबर इसी से आ जाएंगे, बिना किसी नकल के, बिना किसी को पैसे दिए आप आराम से पास कर सकते हैं, 80% आराम से आप बना सकते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रिपीटेड है जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया, आप प्लीज उनको लगा लें। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का टिप्स, और कुछ नहीं करना है आपको, पेपर मिले उसको टिक करना स्टार्ट करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के पढ़ें। आपको पेपर दोनों पैटर्न मिलेगा, यही बता दें, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, OMR मिलेगी, उसमें आपको गोले बनने, ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं मॉक टेस्ट पे, फटाफट मॉक टेस्ट को देखते हैं कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं, जो कि आपका फर्स्ट मतलब जो चैप्टर है आपका, वो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, ये जो आपका पार्ट है लगभग यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने कवर करने की कोशिश की है पूरा वेब डिजाइनिंग तक का, बाकी इसके मैं ऑलरेडी क्लास लगा चुका हूँ एक्स्ट्रा, आप वाली वीडियो देखें आपको मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कौन सा इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं है, MS.com, Linux, MS Windows। तो फर्स्ट का जाहिर सी बात है MS-DOS भी आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज MS ऑपरेटिंग सिस्टम और Linux भी होता है, यहाँ पे कॉम जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, तो सिंपल सा आप ऑप्शन लगा सकते हैं, फर्स्ट का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और हल्के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई आपको ज्यादा कठिन क्वेश्चन या आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस में से कौन सी है, तो जो दोनों है आपकी प्रिंटर कीबोर्ड विजल हार्ड डिस्क जो है आपकी इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो ऑप्शन बनेगा डी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट, आपका सीपीयू जो कंसिस्ट करता है एटलीस्ट किसके किसके अनुसार, एएलयू रजिस्टर है, एएलयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू मेमोरी और रैम एंड रोम। तो तीसरे का बी ऑप्शन बनेगा, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, शॉर्टकट कीज जरूर तैयार कर लें, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की भी, और बेसिक जो विंडोज की शॉर्टकट कीज हैं उनको भी आप तैयार कर लें, और ये कीबोर्ड के जो फंक्शंस कीज होती हैं इनको भी आप तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी, कौन सी इसमें से। तो फोर्थ का ए ऑप्शन बनेगा, रैम आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी है। फिफ्थ नंबर है, वन और द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिटन एज ए स्ट्रिंग और बाइनरी डिजिट, तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको स्ट्रिंग और बाइनरी डिजिट में लिख सकते हैं। तो फिफ्थ का सी ऑप्शन बनेगा, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, टू की फाइल मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक प्लॉटर डायरेक्टरी और फोल्डर, यानी कि आपके जो फाइल्स हैं मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है कौन सी चीजें, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सी फाइल सपोर्ट करता है, ट्रैक प्लॉटर डायरेक्टरी या फोल्डर फाइल। तो 6 का ऑप्शन बनेगा सी, डायरेक्टरी आपकी सपोर्ट करता है, फोल्डर तो आप बनाते हैं बाकी जो सारी होती है आपकी डायरेक्टरी होती है। सेवन दो का, वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, कौन सी है इसमें से। तो सेवन का ए ऑप्शन बनेगा, मैग्नेटिक टेप। एट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। तो एट का डी ऑप्शन बनेगा, लेजर प्रिंटर जो है आपका वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको जैसे डेजी व्हील हो गया, डॉट हो गया, सारे आपके क्या है उसमें आपको बिंदु वगैरह इस प्रकार से ड्रम लगा होता है, तो ये अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इनको कहते हैं इम्पैक्ट करना, यानी कि वो प्रभाव डालते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ, तब वो उसमें प्रिंट होता है, बाकी लेजर प्रिंटर आपने ये सब काम नहीं होता है। नाइन नंबर है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, में से कौन सा बताना है, विंडोज एक्सपी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस एक्सपी, नॉर्थन एंटीवायरस, वीएमएस वर्चुअल मशीन, सर्वर। नाइन का ऑप्शन बनेगा सी, नॉर्थन एंटीवायरस है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी जो आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी, ऑफिस एक्सपी और वीएमएस यानी वर्चुअल मशीन आपका, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नाइन का सी ऑप्शन बनेगा, एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोम मीन्स, तो रोम को बेसिकली फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो रीड ओनली मेमोरी, 10th का बी ऑप्शन बनेगा, रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं, तो फुल फॉर्म वगैरह बिल्कुल तैयार करके जाएं, आपको मिलेगी इनपुट आउटपुट तैयार करके जाएं, डॉस के क्वेश्चन तैयार करके जाएं, तो वही मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, और भी मेरे को सेट मिलेंगे तो मैं आपको और भी शाम तक आपको वीडियो बना दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन बनेगा, मेमोरी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी, एमएस ऑफिस है आपका ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी आपकी विंडोज है यहाँ पे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस इंटरनल कमांड, डॉस का इंटरनल कमांड कौन सा इसमें से है जो हम लोग यूज करते हैं, एक्सटर्नल कमांड कौन सा है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी, फॉर्मेट कमांड जो एक्सटर्नल है, बाकी आपके इंटरनल कमांड है, तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी। फोर्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन बनेगा, रैम आपकी होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। विच इज ए बूटेबल डिस्क, तो बूटेबल डिस्क इसमें से क्या है। फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा बी, ए डिस्क विच इज यूज टू लोड डॉस इन टू द रैम, एक आपके डिस्क है जिसको हम लोग यूज करते हैं ऐसे डॉस इन टू द रैम में, तो बूटेबल डिस्क हम लोग इसलिए बनाते हैं कि उसको फ्लैश करके अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सके, तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, द नंबर सिस्टम दैट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग इज, ये जरूर याद करें, नंबर सिस्टम बाइनरी डेसिमल हेक्सा ऑक्टल ये जरूर याद कर लें, उनका कन्वर्जन आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। 6 का ऑप्शन बनेगा डी, बाइनरी सिस्टम, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ओ लेवल वाले सब्जेक्ट में, आप उसको देख लें आपको सारे कन्वर्जन आ जाएंगे, तो 6 का ऑप्शन बनेगा डी, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगा। 7 नंबर है, इफ डेटा इज प्रोसीडेड एट वंस एज सून एज इज अराइव फॉर द टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, तो 7 का ऑप्शन बनेगा ए, रियल टाइम प्रोसेसिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीपीयू रीड द ऑल इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी एज, यानी सीपीयू आपकी रीड करती है सभी सेकेंड कहाँ से सेकेंडरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से देती है, थ्रू रजिस्टर से, डायरेक्टरी से, या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर दी सीपीयू रीड करता है। तो 8th का ऑप्शन बनेगा ए आपका, पहले वो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर होती है मेन मेमोरी में, फिर आपका सीपीयू जो है उसको रीड करता है। 9th नंबर है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक सिस्टम, कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है आपका।
तो नाइन्थ का ऑप्शन सी बनेगा, नॉर्थन एंटीवायरस। डायग्नोसिंग मतलब होता है रिपेयर करना, यानी कि कुछ आपके में वायरस वगैरह है या कोई कोई भी है, फिक्सिंग का काम है, फिक्स करना, एरर एरर को निकालना, वायरस को निकालना। तो यहाँ पे एक ही आपका है नॉर्थन एंटीवायरस, बाकी सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा सी। इस प्रकार क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। 10th नंबर है फाइंड दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको फाइल फाइंड करना है। तो 10th का इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा। ऑड आपका है प्रिंटर, बाकी आप देख सकते हैं सारी मेमोरियां आपकी, कंट्रोल यूनिट और आपके सब सीपीयू के पार्ट्स हैं, सीपीयू यूज होते हैं, बाकी आपका ये जो ऑड है प्रिंटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अगेन। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द प्योर बाइनरी बिट्स ये आपका दिया गया है। अब इसको ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई, आप उसे इसको देख लें। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा डी, 115 इसका कन्वर्जन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सेवर, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा 2nd का 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं। ए प्रिंटर इमेज क्वालिटी इज यूजली मेजर्ड इन, आपके प्रिंटर की क्वालिटी किससे मेजर्ड की जाती है? 3rd का ऑप्शन बनेगा सी, डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू फोल्डर लेट यू डिस्क यू डू, यानी कि आप फोल्डर से आप क्या कर सकते हैं? तो 4th का ऑप्शन बनेगा ए, ऑर्गेनाइज द फाइल ऑन द डिस्क। 4th का ऑप्शन बनेगा ए। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क बाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका वर्क करता है किस प्रकार से? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, पुशिंग पिन्स अगेंस्ट एंड इंक रिबन। पिन होते हैं उसमें आपके, वो रिबन पे आपका पुश करता है, जिसके बाद वो अक्षर आपके प्रिंट हो जाते हैं। तो प्रिंटर के टाइप्स वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर, सारे उसके बारे में बताया, उसमें कौन कौन से चीजें यूज होती हैं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप फटाफट उसके आंसर दे सकते हैं। 6th नंबर है सम कीबोर्ड्स हैव ए स्मॉल जॉयस्टिक बिल्ट इनटू देम बिटवीन दी जी एंड एच की, दिस टाइप ऑफ डिवाइस कॉल्ड एन, यानी कि आपको एक जॉयस्टिक है उसके अंदर आपको जी और एच की मिलती है, तो वो किस प्रकार की आपकी डिवाइस कहलाती है आपको पहचानना है। तो 6 का D ऑप्शन बनेगा इंटरनल पॉइंटिंग डिवाइस, इंटरनल पॉइंटिंग डिवाइस को बोलते हैं। आप जॉयस्टिक भी देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं ऊपर की साइड ए बी इस प्रकार से डिजिट प्रिंट होते हैं। 7th नंबर इन एमएस वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक, अगर आपको पेज ब्रेक करना है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से कर सकते हैं? तो 7 का C ऑप्शन बनेगा बाई पोजिनेटिंग योर कर्सर एंड अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल इंटर। तो आपको पोजिशन ले लेनी पहले अपने कर्सर के द्वारा, और जहां पे आपको करना है उसमें कंट्रोल लगा के इंटर दबा दें, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं वो किसमें यूज होते हैं? तो 8th का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, मोबाइल फोन्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए स्प्रेड शीट ए स्टेटमेंट डेट परफॉर्म ए कैलकुलेशन इज कॉल्ड। तो 9th का ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, फॉर्मूला, यानी कि आपका जो स्प्रेडशीट होता है स्टेटमेंट परफॉर्मिंग करता है कैलकुलेशन करने के लिए, किस फॉर्मूले का आपका उपयोग करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्बेडेड इनटू ए स्लाइड, अगर स्लाइड आपको यूज करनी है तो उसमें कौन सा चीज आपको एम्बेडेड मिलता है? 10th का ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ, यानी कि वीडियो, ऑडियो, वेब पेज, सभी चीजें आपको उसमें एम्बेडेड मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं विच वन इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, में से कौन की नहीं है? 1st का C ऑप्शन बनेगा कीबोर्ड, बाकी आपके आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, मॉनिटर, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 2nd एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? तो 2nd का D ऑप्शन बनेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। 1 MB इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd का C ऑप्शन बनेगा 1024 KB, और 1 MB पूछा गया है, यहाँ पे GB पूछा जाए तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 1024 MB हो जाएगा आपका GB में। 4th नंबर है दी रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 4th का ऑप्शन बनेगा, देखते हैं क्या दिया गया है। तो 4th का C ऑप्शन बनेगा डॉट पर इंच, यानी DPI इसको बोलते हैं। ये कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, कंप्यूटर के जो पोर्ट होते हैं वो उसको किसके लिए यूज करते हैं? तो 5th का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए बनेगा, कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर पेरिफेरल, यानी कि कम्युनिकेट करने, यानी कि सीपीयू का पीछे का कोई पोर्ट लगा है उसको आप अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, या अपने माउस को कीबोर्ड यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका क्या करता है? कम्युनिकेशन विद अदर पेरिफेरल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है विच फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट ओनली ग्राफिक्स फाइल, तो कौन सी फाइल इसमें जो ओनली
इंडिकेट करती है आपकी ग्राफिक्स के संदर्भ में, वो ग्राफिक्स फाइल है। 6 का D ऑप्शन बनेगा, BMP और GIF, बाकी आपकी BMP डॉक्यूमेंट हो गए, JPG टेक्स्ट है, तो ये दोनों आपकी इमेज फाइल एक साथ हैं, तो आप यहाँ से इसका आंसर लगा सकते हैं, 6 का ऑप्शन बनेगा डी। तो आपको फाइल पहचानने आनी चाहिए। विच वन इज ईमेल एड्रेस, इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल गलत करके आते हैं बहुत लोग। तो 7 का जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, बाकी आप देख सकते हैं ये गलत है पैटर्न, ये WWW ईमेल में होता ही नहीं कभी, ये सब ये भी बिल्कुल गलत है। तो josh@billing.com, यहाँ पे जरूर नहीं आपको जीमेल याहू मिले, जो उनकी वेबसाइट होगी वो भी हो सकता है, यहाँ पे कोई जरूर नहीं आपको जीमेल याहू या अदर कोई कंपनी के साइट मिले, ईमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पैटर्न बजाना है, पैटर्न यही है वो इस प्रकार से होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा थर्ड। 8 नंबर है, टू इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर फ्रॉम डिस्क इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। अगर आपको एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट लगानी तो उसके लिए आप क्या मेथड यूज करते हैं, तो 8th का ऑप्शन बनेगा ए इंसर्ट पिक्चर कमांड, इंसर्ट पिक्चर कमांड पे गए और आपने डायरेक्ट उसको एड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल टू टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट डेटा, कौन सा टूल नहीं है आपका इसमें से जो आपको एनालाइजिंग डेटा नहीं करेगा आपका आपके एमएस एक्सेल का, तो 9th का ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, मेल मर्ज जो है आपका वो एनालाइज नहीं करेगा डेटा आपका, बाकी सॉर्टिंग है, गोल सीक होगा, व्हाट इफ एनालिसिस। लास्ट क्वेश्चन है, दी मल्टीप्लीकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, तो 10th का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी बनेगा स्टार। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड, तो फर्स्ट को ऑप्शन बनेगा सी बनेगा एल ऑब्लिक ओ डिवाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल डॉस कमांड, कौन सा यहाँ पे, तो सेकंड का बी ऑप्शन बनेगा फॉर्मेट, क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या है यहाँ पे, तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा बी और सी दोनों अपने ऑप्शन इसमें होना चाहिए, एक टेक्निक इज अलाउ बाय प्रोग्राम टू साइज और साइज मेन मेमोरी टू रन और पार्ट टू सेकेंडरी स्टोरेज इज प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, तो दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें आप, यहाँ पे इस प्रकार से दिया आपको, अगर कुछ और मिलता है तो वहां पर लगाएं। बाउड रेट आपका क्या होता है, तो फोर्थ का सी ऑप्शन बनेगा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल, बाउड रेट आपका क्या है, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल। 5th नंबर है, सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड, तो डी ऑप्शन बनेगा, सॉफ्टवेयर आपका डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसे कंप्यूटर है परफॉर्म्ड इन किसके द्वारा करता है, ए ऑप्शन बनेगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा नहीं है, तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे क्योंकि ये ऑफिस है और ये नॉर्थन है, तो इस प्रकार के ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है आपको, या तो आपको बी और सी का ऑप्शन देना चाहिए, अभी दोनों आपके हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी विंडोज और लाने आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 3rd नंबर है, दी MICR इज डिवाइस यूज टू रीड करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, तो 3rd का ऑप्शन बनेगा सी मैग्नेटिक इंक ऑन द पावर। 4th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा नहीं है, 4th का डी ऑप्शन बनेगा लेजर प्रिंटर। लास्ट क्वेश्चन आपके इस मॉडल सेट पेपर का, उसको भी देख लेते हैं, तो वो ये है आपका, हाउ कैन यू हाईलाइट टेक्स्ट इन टू दी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विदाउट यूजिंग माउस, अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हाईलाइट करना है यहाँ पे बिना माउस का प्रयोग करें, तो किस प्रकार से करेंगे, तो डी ऑप्शन बनेगा बाय यूजिंग द एरो की एंड होल्डिंग द शिफ्ट, तो आपको होल्ड करना है, एरो की दबानी है और शिफ्ट दबा देंगे तो वो आपका पूरा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था आपके लिए एक उपाय कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई कोई डाउट हो आपको कल के एग्जाम को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।